महसूस हो चुका, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आखिरी दो या तीन बात और करना चाहता हूँ। नहीं पिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दो बात और सुन ले। कहिए पिया जी। कैसे? वो एक करम कुलाड़ा गैर लोभ की, ओ करम कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे, मेरे अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे, ओए सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चल्या रे, सुहाग चला रे। बे समझे बे परख कहेंगे, बे समझे बे परख कहेंगे, यो चंदर के गावे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा, गावे से रे चक्कर सा। पिया जी इतनी बात कह के एकदम फटका खाके सत्यवान गिर जाता है। और फिर कौन आया? यमराज। देखना हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी नारी हुई है, आजकल तो बापू भी आकर आगा नहीं कहेगा ले ले लाडो फेरे यो मर गया तो और बतेरे। लेकिन ये सत की कहानी आपको सुनाई जा रही है। देखना यमराज को कैसे अपने बातों के जाल में फंसा के किस प्रकार अपने पति को भी लेती है और सावित्री क्या कह लेती है। तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, मैं खुद ही यमराज बन के आ रहा हूं। चलिए भैया बजा के। हाँ जी अपने पति का सर गोड्या पर धर लिया। यमराज आया आत्मा को शरीर से निकालने के लिए। पहली बार देखो हंसने के साथ साथ मेरी कथा पर ध्यान रखो। पहली बार यमराज को किसी ने रोके ना, किसी के रोके तो क्या को ना रोके कदे। बेटी क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं? जी महाराज। ये भी पहली बार हुआ। ये सब ग्यारस माता के व्रत का महत्व है छोरी। ये कौन है जो मर गया? महाराज ये मेरी पति देव है महाराज। तेरा पति है? जी महाराज। हे लाडो इतनी भगतनी होते के बाद भी ये तेरा पति है? जी महाराज। यो तो मर लिया। नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कहिए आप। इसके गिनती के सांस पूरे हो लिए, जितना अंजल पानी था इसने खा पी लिया। हेलो खाली रह गया पिंजरा, हंसा चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आए नहीं मुड़के। पांच तत्व मिलके यो काया का स्थूल है, इब सुनता ना कोई तेरा तो रोवना फिजूल से। नहीं महाराज। लाडो खड़ी हो, ये लकड़ियां इकट्ठी कर, इसकी चिता बना ले। शाम का वक्त होने वाला है, सूर्यास्त के बाद किसी लाश में दाग नहीं लगती। बेटे इसको उठा, इसके परिजनों को सूचित कर, इसको मुखाग्नि अंतिम संस्कार की तैयारी कर, तू इसके शरीर से अलग हट। महाराज मैं अपने पति के शरीर से अलग कभी नहीं होंगी। जब तक तू इसके पास बैठी है मैं चाहकर भी तेरे नजदीक नहीं आ सकता। अगर मैं तेरे नजदीक आया तो तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। बेटी सावित्री इसके शरीर से अलग हट, मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर। महाराज हुया पूरा
जहां तक तू पति के ऋण से ऋण होगी। अब सावत्री उल्टी हट जा। महाराज उल्टी हट जा, आप कह रहे हो कि तुम उल्टी हट जाओ, तुम्हारे पति के प्राण में ले जाऊं, लेकिन महाराज अभी मेरी शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ है। महाराज हमने एक साल से अपना टाइम साथ व्यतीत किया, महाराज अपने पति के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी, अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी। एक साल पति का सुख भोग लिया, अरे दुनिया में ऐसी भी छोरी है, एक दिन सुहागण दूसरे दिन अभागण। बस अब तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। मेरी भी बात सुनी महाराज, कहिए सावत्री। बिना पति के धर्म राज मेरी, तू कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी, तू कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा रे, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी, तू कर जिंदगी कट जा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज, आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति के बिना अपनी जिंदगी किसके साथ में जीऊंगी, कैसे व्यतीत करूंगी। अरे क्या तू ही एक लड़की ऐसी है जो बिना पति के रहेगी? दुनिया में पता नहीं कितनी लड़की ऐसी है जो बिना पति के जिंदगी काट रही है। महाराज मेरा कोई भी नहीं है मेरे पति के अलावा इस दुनिया में। तेरे सास ससुर है महाराज, उनके साथ जी लगा लेना। लेकिन महाराज मेरे सास ससुर जरूर हैं, लेकिन महाराज वो ना के बराबर हैं, क्योंकि उन्हें आंखों से दिखता नहीं, वो नेत्रहीन है महाराज। बिना पति की जिंदगी नहीं कटेगी? नहीं कटेगी महाराज। इतनी अग्नि है तो दूसरा भी आकर लिए? नहीं महाराज, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। संपत मास्टर जी 200 रुपए, देख उठना तो होगा तुझे। नहीं महाराज, आप कहते हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैंने सिर्फ एक ही शादी की, और अगर जीऊंगी तो भी अपने पति के साथ में, और मरूंगी तो भी अपने पति के साथ में। इन फालतू बातों का समय नहीं है मेरे पास, एक काम कर, क्या चाहती है तू? मैं ये चाहती हूँ आप मेरे पति के प्राण मुझे वापिस दीजिए। सोचना पड़ेगा कुछ। एक काम कर, खड़ी हो, एक गाजर पाड़ के ले, इतने में तेरा पति जिंदा कर दूंगा। खड़ी हो जा। नहीं महाराज, आप ये सोचते हो कि मैं वहाँ वो गाजर लाने के लिए जाऊं और आप मेरे पति के प्राणों को लेके चले जाओ। अरे बड़ी चालू है तू ते, सुन मेरी बात। कह दे अपनी बात। बुद्धराम सरपंच जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बुद्धराम जी का धन्यवाद। है सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, मैं हरगिज को ना टाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। वचन जी महाराज ले भर, एक दो तीन। महाराज मेरे ये तीन वचन वो भी आपको सुनने पड़ेंगे। सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवानी अवस्था जति पति बिने, भोगवत विसडाल करूं। जवानी अवस्था जति पति बिने,
करके घर छट जा। झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन मेरा पट जा। झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन मेरा पट जा। वचन दिए जी महाराज। जा बेटी मैं तुझे तीन वरदान देता हूँ। लेकिन वो तीन वरदान क्या क्या है मेरे आपको पता है महाराज? जो तू कहेगी मैं दे दूंगा, पर पहले तू एक वचन मेरे को दे, किसी भी वरदान में अपने पति को नहीं मांगेगी। महाराज मैं आपका ये वचन भी पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे तीन वचन मांग रखे वो आप मेरे पूरे करो। पहले मेरा नाम यमराज है। यमराज है तो करो यमराज जी मेरे वचन पूरे। धर्मराज है। धर्मराज जी वचन पूरे करो। आप पहले एक वचन दो, किसी भी तीनों वरदानों में अपने पति का जिक्र भी ना करिए। मैं आपको मेरा एक वचन जरूर दूंगी, पहले मेरे तीनों वचन पूरे करके दिखाओ। पहले तू एक दे, जब मैं तीन दूंगा। पहले तीन करो पूरे। नहीं पहले एक वचन इसलिए देना। पहले दो तो पूरे करो, जब एक के बराबर आ जाओगे बाद में दे देंगे वचन। अगर तूने अपना पति मांग लिया तो मैं अपने उस एक वचन में अपने पति को कदापि नहीं मांगूंगी। आप मेरे तीन वचन पूरे कीजिए। आप एक वचन लेना चाहते हो लीजिए महाराज। नहीं लिया। बन गया काम। चलिए मांग लिए वरदान सती, मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा, राज मिले और नैने खोल दो ससुराल कर लीन मेरा, राज मिले और नैने खोल दो ससुराल कर लीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान। मेरा पहला वरदान है जो हमारा राजपाट छिन गया वो चाहिए महाराज। और मेरे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी चाहिए। राजपाट दे दूं और आंखों की रोशनी दे दूं तेरे सास ससुर के। जी महाराज। तेरा पहला वरदान जी जा दिया। तथास्तु। धन्यवाद महाराज। ऐसा ही होगा सावत्री, इब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के सिरी मान मने होगा कति मलीन मेरा, बिना पति के सिरी मान मने होगा कति मलीन मेरा। ओए जी तुसी की होती है, जी तुसी की होती है, जो सत के ऊपर डट जा, उस मानसी का के कर लो जो कई गाच में नट जा, उस मानसी का के कर ले जो कई गाच में नट जा। एक वरदान तेरा दे दिया, तथास्तु। धन्यवाद महाराज। अब तेरे दो वरदान रह गए। हाँ सोच ले समझ ले। सोच लिया समझ लिया महाराज। आप मेरे दो वरदान और पूरे कर दीजिए। मैं आपसे मेरे एक वचन आपको दे रखा है, मेरे पति के प्राण नहीं मांगूंगी। जब कोई औरत नीचे बैठी रहती है जी, उसके घुटने मुड़े हुए होते हैं जी, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि औरतों की बुद्धि गोड्या में बताई है। अच्छा, इसलिए तेरी बुद्धि खुल जाएगी। खड़ी हो जा। खड़ी हो जाऊंगी? हो जा खड़ी। आप खड़ी होने के लिए चाहते हो कि मैं पति के प्राण लेके चले जाऊं? आप पति के प्राण लेकर मेरी बुद्धि जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति के प्राण नहीं जाने दूंगी। कड़े फंस गया मैं आज। जहां फंस रहे हो वही देख लो। इतना तो कदे और टाइम भी नहीं लग गया। बेटी सावित्री जी, मैं वरदान और वचनबद्ध हूँ। आज तक वैसे वेस्ट टाइम में फंसे हो, आज फंसे हो सही। अच्छा जी महाराज, तो ठीक है, तेरे दो वरदान बचे, मांग ले पाछे ले जाऊंगा तेरे पति। सुन ले मेरे दो वरदान। क्या बेटा बेटा करते हो? सोच फिकर ने, सोच फिकर ने। सोच लिया महाराज, सोच रखा है।
सोच फिक्र को छोड़ सती, अब दिल की चिंता दूर करो। तो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्म राज मन दूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्म राज मन दूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान, ये दूसरा वरदान है मेरे पिता के, दो संतान होनी चाहिए महाराज। भाई अनुरोध करूंगा, जो ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहे भाई साहब, इसको बंद करो, हटाओ। मैं रागनी जोर लगा रहा हूँ, सबका ध्यान वहां बढ़ जाता है। फुटेज को बाद में ले लेना, मेरी रागनी खराब हो जाएगी, या फिर तुम कर लो, मैं बैठ जाता हूँ। वो कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये बच्चे आपके खेल में लग जाते। प्लीज निवेदन है आपसे, उतार लो इसको, प्लीज उतार लो। हाँ उतार लो इसने, जहाज ने पाछे देखेंगे। पूरा यमराज खड़ा है, मानस मरिया पड़ा है, तेरी फिल्म नहीं बन के दे रही। चलिए भाई चलिए दोबारा से। छोड़ सती, अब दिल की चिंता दूर करो। तो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। तो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। यानी कि तेरे दो भाई, तेरे पिता के दो पुत्र जी महाराज, जा बेटे दिया तथास्तु। धन्यवाद महाराज। दो भाई तेरे हो जाएंगे, दो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। एक पुत्र हो मेरे पेट से, तेज सभी और सूर करो। एक पुत्र हो मेरे पेट से, तेज सभी और सूर करो। तेरा बड़ा 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 धन्यवाद कि तूने अपना पति नहीं मांगा। महाराज मेरी बात सुनिए कान खोल के। अब मैं तेरे तीन वरदान दोहरा दूं, कदे पाछनो का चीटिंग कर गया यमराज जी। महाराज दोहराइए। पहले वचन में तेरे सास ससुर का राज उनके आखे जी महाराज, तथास्तु मिल गए धन्यवाद। दूसरे वचन में तेरे पिता के दो पुत्र जी महाराज, धन्यवाद मिल गए, तथास्तु ये भी मिल गए। तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी तथास्तु। महाराज रुकिए, देता हूँ, अब नहीं रुकूंगा। अरे बात सुनो, देता हूँ, अरे देता हूँ, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज रुकिए। अरे अब क्यों रोकती है? अभी आपने मेरे दो ही वचन पूरे करे महाराज, तो इसको तो ले लेने दे। ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। मैंने तीनों वरदान तथास्तु कह दी तो काम हो गया। महाराज तथास्तु कहने से मेरे वचन पूरे नहीं हुए। हो गए? नहीं हुए। कर दिए? नहीं किए। बालक तो 9 महीने में होगा, इब कर दू के। महाराज आपने दो वचन पूरे किए हैं, राजपाट मिल गया, सुसरा नेत्रहीन उनकी आंखों की रोशनी मिल गई। तेरे बाप के दो पुत्र, तेरा भी एक पुत्र। लेकिन मेरा एक पुत्र कैसे होगा, क्योंकि जब मेरा पति मेरे पास नहीं है महाराज, बच्चा कहां से होगा? अरे ये, 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 ये महाराज ये, क्या हुआ अब? ये क्या मांग लिया? यही मांग लिया जो आपने सुना वही। हमने पहले ही कहा था कि इस पिता को नहीं किए यो। पति है महाराज। कभी पुत्र कहती है, पिता कभी है पिता तुम्हारा कहती। पता नहीं क्या कहती है तू। सुन चीटिंग होगी, दोबारा तो आएंगे शुरू से। ना दोबारा से अब कैसे भी नहीं महाराज। आपने कहा कि तेरे तीनों वचन पूरे हो गए, दो वचन पूरे कर दिए, तीसरा वचन मेरा आपसे पूरा नहीं हुआ। अगर आप मेरा वचन पूरा नहीं कर सकते तो जहां से भी आए हो वही के वही वापिस चले जाइए। तेरी बहन कही अमराज की बेइज्जती। ए लड़की कहिए। मेरा नाम यमराज है, क्या तनिक भय नहीं है मुझसे? मेरा नाम सावित्री है, क्या आपको मेरा पता नहीं कि मैं तीनों वचन लिए बगैर जाऊंगी नहीं? मैं डरा दूंगा तन्ने। मैं भी डरा दूंगी आप। सावित्री समझने की कोशिश कर, मर चुका है तेरा पति। नहीं समझूंगी महाराज, पति को जिंदा करो, प्राण डालो वापिस। ओ मेरी माँ, मर लिया तो प्राण डालो, या फिर संतान दो, आपने तीन वचन दिए थे। अरे ये प्रकृति के नियम टूट जाएंगे,
मानस तो बहुत मारे पर ईशा नहीं मारा। वही तो आज फंसे हो असली जगह। नहीं मेरे हाथ में नहीं है ये, ये आपके ही हाथ में। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया की जो आपके हाथ में आपके बस में ना हो, आप कुछ कर नहीं सकते महाराज। मेरे हाथ में बैंगन भी खोना। अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ऊपर बैठे हैं, जो आया है वो जाएगा। ये शरीर कपड़े के समान है, आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। तो फिर तीन वचन क्यों बना था जब पूरे नहीं कर सकते तो मनने के बता हुआ तो यो मांगेगी अब पूरे करो। आज नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। कर दो चले कहिए। सावित्री ए ओ महाराज, बेटी तू बड़ी समझदार है। महाराज आप भी समझदार हो, ज्ञानी हो। तू बड़ी सुंदर है। बिल्कुल, तू तो मथुरा भी दर्शन करने जाती है। महाराज मैं वृंदावन भी गई थी महाराज। अभी तो कह तू खड़ी हो। मैं सब जगह गई हूँ, आपको क्या पता है मैं कहाँ कहाँ नहीं गई। अब मुन्नत सारी पता बस फिर। पर तू इसने छोड़, हम आपकी तरह नहीं कि लोकेशन चला के देखे फोन में कौन कहाँ पे है कौन कहाँ पे नहीं। मैं यमराज हूँ, मुझे सब खबर रखनी। आप लोकेशन चला के देख सकते हो तो लोकेशन के हिसाब से मुझे बेटा भी दे दो मेरी कोख से। लोकेशन तो दे दूँ जी। सावित्री तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के, मैं चक्कर बीच फसाया। नो नीति और बहरा सीतिया दीने अब की पाया। तेरे पति की काया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान बन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान बन में पाया। केवल एक तरीका है। क्या? तेरा पति जिंदा हो जाएगा। कौन सा तरीका? तू कर पाएगी? महाराज आप जो भी तरीका बता रहे हो मुझे जल्दी से बताओ, मैं बिल्कुल पूरा करूंगी। तेरी उम्र आज से लेकर 100 बरस और बकाया है। अगर तू अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 साल अपने पति को दान कर दे मुझे संकल्प दे के, तो 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति जिएगा। पर लाडो घना ही 100 साल मौज मारेगी इस बरगे पर, ना कितने मिलेंगे महाराज। मुझे कोई और किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की जरूरत है। आप कह रहे हो कि मेरी 100 वर्ष आयु बची हुई है। आधी जिंदगी दे तो तेरा पति बच जाएगा। ठीक है महाराज, मैं आपको ये वचन देती हूँ, आप मेरी आधी आयु मेरे पति के नाम कर दीजिए, मेरे पति जिंदा कर दीजिए महाराज। लीजिए महाराज, आधी जिंदगी तेरे पति को दे। खड़ा धन्यवाद। अरे मान सिंह ने मन समझाया। क्या कर रहे हैं यो? महाराज आपने वचन दिया है पुत्र करूं। वचन मैं दूं पुत्र तू करेगा? और क्या? अरे मान सिंह ने मन समझाया दान। भाई मान सिंह ने मन समझाया ध्यान हरि हर में रखा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ